नमस्ते पाटिल्स किचन में मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ईस्टर एग। इसके लिए मैंने इस तरह अंडे को फोड़ कर लिया है। इसका वाइट और योक को अलग कर दिया है। ऐसे अलग करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से साफ धो कर लेना है। साफ धोने के बाद इसी तरह से इसे ऐसा उल्टा करके रखना है सूखने के लिए। पूरी तरह से सुखा के लेना है। इसी तरह हमने चार अंडों को फोड़कर अच्छी तरह से साफ धोकर सूखा कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रख देंगे और एक बर्तन में गुनगुना पानी लेंगे। 1/4 कप ये गर्म पानी है, थोड़ा गुनगुना है। इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जिलेटिन पाउडर और कलर और फ्लेवर के लिए डालेंगे कुछ, ये मिंट फ्लेवर डाल रही हूँ मैं। और इसे अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम किसी एक अंडे के अंदर इसे डाल देंगे। इसी तरह से अपने मनपसंद कलर और फ्लेवर यूज करके आप अंडों में डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, तो आप जेल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये अंडे ऐसे भरने के बाद इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, अभी हम देखते हैं। यह हमारा ईस्टर एग बनकर रेडी है। इसी तरह हम सारे एग को निकाल देंगे बाहर। यह हमारे ईस्टर एग बनकर रेडी है, तैयार है। ये देखो हम इसे कट करके दिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।